नमस्कार दोस्तों, आप सेगा देव ट्रेडर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आपने आईटीबीपी का कोई भी फॉर्म भरा है, चाहे वो पायनियर का हो, चाहे ट्रेड्समैन का हो, चाहे आपका किचन सर्विसेज का हो, आपने कोई भी फॉर्म भरा हो आईटीबीपी में, जो आईटीबीपी के वेबसाइट पे भर्ती आई हुई है, तो आप सभी के पास बहुत ही सुनहरा मौका है सिलेक्शन लेने का। यानी कि 101% आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप मेरी बातों को समझोगे तब। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर आप सभी को सारी चीजें मिलती रहती है, ठीक है। और हमारी क्लासेस यूट्यूब पे चलती रहती है। देखिए, सुनहरा मौका किस किस चीज की बात। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ट्रेड्समैन, ठीक है। ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में बात कर लूँ, चाहे मैं पायनियर भर्ती के बारे में बात कर लूँ, चाहे मैं किचन सर्विसेज भर्ती की बात कर लूँ, चाहे मैं आप सभी का एजुकेशन स्टेट काउंसलर भर्ती की बात कर लूँ, और उसके साथ अगर मैं बात करूँ एनिमल ट्रांसपोर्ट की बात कर लूँ, ठीक है, एनिमल ट्रांसपोर्ट की बात कर लूँ, किसी भी वैकेंसी, इतनी सारी वैकेंसी आप सभी को पता है कि आईटीबीपी में आ चुकी है। अगर इन सभी वैकेंसी की बात करूँ, इसके साथ आप सभी की फार्मेसिस्ट की भर्ती भी आप सभी के है, यानी कि अगर मैं पैरामेडिकल की भर्ती की बात करूँ, पैरामेडिकल की भर्ती की बात करूँ, आप कोई भी हो इनमें से कोई भी हो, चाहे आप ट्रेड्समैन में फॉर्म भरे हो, चाहे अपने पायनियर में भरा हो, चाहे किचन सर्विस में भरा हो, चाहे एजुकेशन स्टेट का हो, चाहे एनिमल ट्रांसपोर्ट भरा, चाहे पैरामेडिकल की कोई भर्ती है जिसमें स्टाफ नर्स की हो, चाहे आप सभी की आपकी ये क्या बोलते हैं फार्मेसिस्ट की भर्ती आप सभी की हो, ये वाली भर्ती हो, चाहे अगर और भी जो भर्ती आप सभी की आने वाली, कोई भर्ती फॉर्म भरो, तो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि इतना गोल्डन चांस है आप सभी के पास कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। अभी आप सभी को पता है कि मैंने एससी के बारे में बताया था आप सभी को, कुछ वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले ही, जहां पर मैंने बताया था कि एससी में टोटल लगभग 6000 फॉर्म भरे गए हैं ऑल इंडिया लेवल पे। आप खुद सोच सकते हो कि ऑल इंडिया लेवल पे 6000 फॉर्म क्या ही होते हैं। और जिस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है आपका पीएचटी पीटी, उसके बाद आपका रिटर्न, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका डीवी मेडिकल वगैरह स्किल टेस्ट वगैरह, तो जो होना है वो होगा आप सभी का, ठीक है। अभी आपको पता है कि ड्राइवर की भर्ती भी आ रही है आईटीबीपी में, ठीक है, आईटीबी में ड्राइवर की भर्ती भी आ रही है। अब सुनहरा मौका कैसे मिल रहा है, इस बात को समझना। मैं बता रहा हूं कि 6000 फॉर्म एजुकेशन स्टेट काउंसलर भरे गए और आईटीबीपी की वेबसाइट इतनी खराब है, इतनी वेबसाइट खराब है कि आप विश्वास नहीं मानोगे। ये जितनी सारी वैकेंसियां जो आप सभी को दिख रही है ना, ये सब सारी जितनी वैकेंसी दिख रही है, सबसे लोवेस्ट फॉर्म भरे गए हैं, सबसे लोवेस्ट फॉर्म अब तक की हिस्ट्री में, आईटीबीपी के इतिहास में सबसे लोवेस्ट फॉर्म इस बार 2024 में भरे गए हैं, सबसे कम भाव। तो आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास अभी मैंने उसकी मतलब डिटेल मंगवाई है, हर एक वैकेंसी के बारे में बता दूंगा आप सभी को। मैं वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूं कि आपको ये बात बता सकूं कि जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं आईटीबीपी को, मैं बोल रहा हूं कि आप दुनिया का कोई भी फॉर्म भर लो, आपने एनटीपीसी का फॉर्म देखा कितनी कम वैकेंसी आ रखी है, एसएससी जीडी का फॉर्म देखा आपने कितनी कम वैकेंसी आ रखी है, मैं बोल रहा हूं कि कॉम्पिटिशन वहां ज्यादा है, यहां पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है। आप एजुकेशन स्टेट काउंसिल देख लो 6000, किसी को ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है। ट्रेड्समैन वैकेंसी देख लो, मैं इनका कोर्स भी लाने वाला था मगर बहुत बच्चे डिमांड नहीं करें, मैंने बोला था कि 1000 बच्चे कम से कम डिमांड करेंगे तो मैं इनका कोर्स भी लेगा, डिमांड नहीं की तो कोई बात नहीं, जब डिमांड नहीं तो सप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ ट्रेड्समैन पायनियर किचन सर्विस एनिमल ट्रांसपोर्ट पैरामेडिकल सभी में आप सभी के बहुत ही लोएस्ट फॉर्म भरे हैं, यानी कि अगर आप किसी अदर वैकेंसी की तैयारी करते हो तो मुझे लगता है सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे, मगर इन भर्तियों की तैयारी करते हो तो आपका चांसेस 101% होगा, 101% होगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि दुनिया भर की वैकेंसी आ रही है मगर उन वैकेंसियों पे आप सिलेक्शन लेने में कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहां पर, मगर यहां पर कंपटीशन ही नहीं है क्योंकि यहां पर सबसे लोएस्ट फॉर्म अप्लाई हुए हैं और इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रनिंग होती है और रनिंग में फेल होना ही है, पीएचटी में फेल होना ही है, तय ही है। तो मेन चीज क्या, रिटर्न एग्जामिनेशन, आप अपने रिटर्न एग्जाम से बेहतर कर लो। देखो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में, किचन सर्विसेज का हमारा अन्नपूर्णा बैच आ चुका है मात्र 299 में, पूरा आप सभी को सिलेबस यहां पर कंप्लीट कराया जाएगा। यहां पर आप एनिमल ट्रांसपोर्ट का हमारा बैच है जिसमें आपको ड्रेसर और एनिमल ट्रांसपोर्ट क्या, ये आप सभी का एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल रहने वाला है क्योंकि उनका सिलेबस अलग है, ड्रेसर का अलग है, कैनिमल का अलग है, तो एनिमल ट्रांसपोर्ट का 299 का। आप पायनियर का बैच लेना चाहोगे 299 का, आप ट्रेड्समैन का बैच लेना चाहोगे 299 का, यानी कि आपको भी ड्राइवर का भी बैच मिल जाएगा, यानी सारी चीजों का बैच हम आप सभी को दे रहे हैं मात्र 299 में। यानी कि अगर आप तैयारी करते हो रिटर्न की, फिजिकल की तो आप कर ही रहोगे, अगर रिटर्न की तैयारी करते हो तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन 101% पक्का आपका सिलेक्शन है मेरे भाई।
तो जान लगा दो मेरे भाई, क्योंकि इस बार मौका है। आप किसी भी वैकेंसी को देख लो, चाहे एसएससी जीडी की वैकेंसी देख लो, वहां स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं, स्टेट में भी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, कटा बहुत ही ज्यादा है। एनटीपीसी का देख लो, आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लो, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, मगर इन सब एग्जामिनेशन में फोकस बहुत कम है बच्चों का। बच्चे यहाँ पर आ भी नहीं रहे, फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो रहे, वेबसाइट भी नहीं चल रही है, इतना सुनहरा मौका है, बहुत मौका है। ठीक है, ठीक है, अगर मौका चला गया ना फिर पछताते रहोगे जिंदगी भर। इतने कम फॉर्म 2024 में थे, लोएस्ट फॉर्म भरे। आप बोलोगे सर कितने फॉर्म, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया एजुकेशन स्टेट्स काउंसिल में, मात्र 6000 फॉर्म ऑल इंडिया। 6000 बच्चे क्या ही होते हैं यार, 6000 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता 6000, समझ रहे हो ना। तो भाई अपनी तैयारी बेहतर कर लो। चलो फिर अभी के लिए चलता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।